व वक़ात दोस्तों 26 जनवरी रिपब्लिक डे 26 जनवरी यू में जमूरिया का दिन की हकीकत को हम जानने की कोशिश करें हिंदुस्तान पर फिरंगियों का साम्राज्य था अंग्रेज़ों की दोस्त हुकूमत थी और इस हिंदुस्तान को खून पसीने से अपनी कुर्बानियों से किसी ने सेजा है हमारे असलाफ ने हमारे बड़ों ने चाहे हिंदू हों मुस्लिम हों सिख ईसाई हो, तमाम अदायब के लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उसके बाद हमें आज़ादी मिलती है और ग़ुलामी की जंजीरों को हम तोड़ कर जब निकलते हैं वो दिन होता है पंद्रह अगस्त तालीस अंग्रेज यहां से चले गए लेकिन उनका कानून बाकी था तो नया कानून नया एक आय नया कंस्टिट्यूशन बना हिंदुस्तान का हो और तमाम अधायब के लोग यहां पर मौजूद थे और हमारे असलाफ ने हमारे पूर्वजों ने यह तय किया कि एक कमेटी तश्कील दी जाए उस कमेटी को कहते हैं कानून सास कमेटी और उसके प्रेसिडेंट थे दोस्तों उसके सदर थे डॉक्टर भीमराव राव जी उनकी कोशिशों जुस्तजू से तमाम दुनिया के तमाम दुनिया की कंट्री के आयन को पढ़ा कानून को पढ़ा उसके बाद लगभग दोस्तों मशखतों से मेहनतों से दो साल ग्यारह महीने अट्ठारह दिन लगभग लग चुके उसके बाद हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना हिंदुस्तान का, का कानून बना हिंदुस्तान का संविधान बना और उसको राइज किया जाता है छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास लगभग अब हम 26 जनवरी 2023 मनाने जा रहे हैं तो चौरियतर साल हो जाएंगे दोस्तों लेकिन किसी की नजर लगी इस इस चमन को जहां पर फूल खिल रहे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजहती के साथ लग जी रहे थे जिंदगी बसर कर रहे थे खुशी लेकिन इन अनभक्तों की किन अनभक्तों की नजर लग गई चंद सालों से आज हिंदू मुस्लिम एक जहती गंगा जमुना तहजीब को पारा पारा करने की कोशिश रची जा रही है हम ऐसा होने नहीं देंगे दोस्तों तमाम नौजवानों से तमाम मेरे वीडियो देखने वालों से कहता हूं संविधान का मताल करें अपने पूर्वजों की तारीख को पढ़ें असलाफ की तारीख को पढ़ें किस मेहनत और जस्तजु कुर्बानियों से लगन से हिंदुस्तान को हमने सेजा है यहां तक खड़ा किया है और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों को हमने लोहे के चने चना पर मजबूर किया था लेकिन अपनों की आज नजर लग गई हर तरफ हिंदू मुस्लिम करने की साजिशें रची जा रही हैं संविधान को हम भूल गए संविधान को पढ़ें क्या कह रहा है संविधान हिंदुस्तान का कानून अरे दुनिया के अंदर जो सब में बड़ी जमहूरियत है तो वो हिंदुस्तान की जमहूरियत है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुजरात से मिजोरम तक ले ले हर तरफ अपने अपने मजाइब में लोग मगन हैं लेकिन हर एक का मजहब अलग हर एक के त्यौहार अलग हर एक का जीने का अंदाज अलग लेकिन ये कानून ये आयन हमें आजादी देता है इजहार ख्याल की आज़ादी देता है मजहब की जीने की आज़ादी देता है लेकिन हिंदुस्तान को किसकी नजर लग गई कि चंद अफराद अंधभक्त हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और इस आयन को मिटाना चाहते हैं जो भीमराव अंबेडकर जी ने से बनाया 900 299 सौ लोगों ने इसे क्या किया पास किया था आज इस आयन को मिटाने की साजिशें रची जा रही हैं हम उसे ऐसा होने नहीं देंगे दोस्तों धूमधाम से 26 जनवरी यू में जमहूरिया 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाए और बताया जाए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे असलाफ ने अंग्रेजों को के को घुटने टेकने पर मजबूर किया और ये अंधभ देखें कि इस कानून को मिटाना चाहते हैं इस ऐन को मिटाना चाहते हैं हम इसे मिटाने नहीं देंगे जय हिंद